हेलो एवरीवन दिस इज़ शिवांगिनी मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया था हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर कैसे सेंटेंसेस रहते हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमें याद करने ज़रूरी हैं तो आज हम उसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज़ अटैम्प्ट करेंगे मैं आपके लिए पहले एक्सरसाइजेज लाऊंगी जैसे हमेशा होता है एंड देन वी विल हैव द दल्यूशंस बट एक्सरसाइज करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे सेंटेंसेस थे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी इफ़ यू रिमेम्बर हैज़ हैव जहां भी सेंटेंसेस में हैज़ हैव यूज होगा दे आर इन प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था अगर हम कहें वो काम कर चुका है वो स्कूल जा चुकी है तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म तो इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म पे चलिए आज कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करते हैं बिकॉज एक्सरसाइजेस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड मेक योर लर्निंग इवन बेटर सो द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज यूजली एक्सरसाइजेज में मेरा पैटर्न रहा है कि पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए हैं उसके बाद नेगेटिव और उसके बाद हम क्वेश्चन फॉर्म वाले सेंटेंसेस अटेम्प्ट करते थे आज थोड़ा चेंज करते हैं सबसे पहले लेट्स ट्राई क्वेश्चन कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म में क्वेश्चन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे सो so, आपके पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं लाइक यू एंड अमरेला तो आपके पास सब्जेक्ट भी है आपके पास वो भी है ऑब्जेक्ट भी है आपको क्या करना है इन वर्ड्स को जोड़कर एक क्वेश्चन पूछना है सो यू हैव टू सी कि टेंस फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट होनी चाहिए बाकी जो हिंट्स हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के वो आपको यहाँ दिए गए हैं सो so, इन सबको यूज करके आप क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करेंगे सेकेंड है यू डैश अ पासपोर्ट आपको याद होगा मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो तो हम क्या करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले आएंगे जो कि हैज़ हैव है उसके बाद क्या करना है आपको अच्छे से पता है और अगर आप भूल गए हैं नो डाउट आई विल ब्रिंग द सोल्यूशन एंड देन आई एक्सप्लेन टू यू बट आई वॉन्ट कि आप एक अटेम्प्ट करें एक ट्राई करें दैट इज़ वाई ब्लैंक्स योर फादर डैश अ कार कैरल मैनी फ्रेंड्स यू एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यू डैश एन अम्ब्रेला आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा कि क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है तो इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे ये आप ट्राई कीजिए यू डैश अ पासपोर्ट क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है दिस इज हाउ यू विल मेक क्वेश्चन तो चलिए मैं आगे जब आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू कि हमने क्वेश्चन कैसे कंस्ट्रक्ट किए सो अ लुक एट द सोल्यूशन्स सो दीज आर द सोल्यूशन्स द फर्स्ट वन वॉज यू एंड अमरीला क्या तुम्हारे पास अमरेला है तो आप इसको कैसे क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करेंगे हैव यू गॉड एंड अम्रेलाला जो हेल्पिंग वर्क था हैज याव वो सबसे पहले यूज होगा उसके बाद आपका सब्जेक्ट देन वर्क विच इज़ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ और हैव की यूजेज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इफ़ यू हैव अ डाउट आप पहला लेक्चर वापस गो थ्रू कीजिए यू विल गेट टू नो कि हेज़ कहाँ यूज़ करना है और हैव कहाँ यूज़ करना है सेकेंड इज़ यू डैश अ पासपोर्ट क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है सो इट चेंजेस टू डू यू हैव अ पासपोर्ट या फिर मैंने आपको कहा था आप ऐसे चेंज कर सकते हैं हैव यू गॉट अ पासपोर्ट आप गॉट भी यूज़ कर सकते हैं और डू do, डज भी यूज़ कर सकते हैं देट इज़ योर इंडिविजुअल चॉइस नेक्स्ट इज योर फादर कार डज योर फादर हैज़ कार या फिर हैज़ योर फादर गॉट अ कार कैरल मैनी फ्रेंड्स हैज़ कैरल गॉट मैनी फ्रेंड्स सो आपने देखा यहाँ मैंने गॉट यूज किया है तो दोनों ठीक हैं आप डू डज भी यूज कर सकते हैं आप गॉट भी यूज कर सकते हैं अलोंग विथ हैज और हैव नेक्स्ट हमारे पास था यू एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स हाउ मैनी ब्रदर्स और सिस्टर्स डू यू हैव या फिर हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू गॉट या आप ये भी लिख सकते हैं हैव यू गॉट एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सो ऐसे आप इन वर्ड से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं इन इंटेरोगेटिव फॉर्म चीज़ें आपको जो याद रखनी है एक वापस से रिमाइंडर दे रही हूँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो यू हो सकता है वी हो सकता है या किसी का नाम उसके बाद आपका मेन वर्ब जैसे पहले सेंटेंस में देखिए हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया हैव उसके बाद सब्जेक्ट यू उसके बाद मेन वर्ब गॉट और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होता है सेंटेंस का जो था एन अमरेला सो हैव यू गॉट एन अम्ब्रेला तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन क्वेश्चन फॉर्म की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप क्वेश्चन कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं